हे फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लेबी रॉक सीम्स। तो गाइस, कैसे हैं आप सब? तो मैं आप लोगों के लिए आ गया एक मैच कवर करने एशियन चैंपियंस लीग का। KAYA वर्सेस PNU के बीच मैच होने वाला है 1 घंटे 23 मिनट के बाद। तो इस मैच की फाइनल टीम जो रहेगी वो आपको लाइनअप्स के बाद मिलेगी मेरे इस चैनल पे, जिसका नाम है एबी रॉक ड्रीम 11 टीम्स। इस चैनल का लिंक मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो फटाफट जाओ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर, लिंक पर करो क्लिक एंड ज्वाइन हो जाओ। और हम इस वीडियो में किसी भी चीज़ को प्रोत्साहित नहीं कर रहे, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन के लिए ही देखना। तो चलते हैं दोस्तों आगे, बात करूं मैं इस मैच की देन KAYA वर्सेस PNU के बीच जो मैच होने वाला है। इधर हम PNU के फेवर में है, PNU टीम के जीतने के चांसेस है 80% और वहीं KAYA के जीतने के चांस है ओनली 20%। तो वही भाई, अगर आप माइंडेड गेम खेलना चाहते हो तो PNU के फेवर में ही रहना बिल्कुल सही है। तो मैं सबसे पहले बात करूंगा गोलकीपर की, तो यहां से लूंगा पहला प्लेयर जेड बेंजन को। एक्चुअली जब आप किसी ऑपोजिशन टीम का अगर कोई भी प्लेयर लेते हो, भले मैं कहता हूं जैसे मान लो कि मैंने गोलकीपर लिया और अगर बाई चांस PNU की पेनल्टी आ गई, तो उसमें से सबसे ज़्यादा फायदा किसको हुआ? एक तो पेनल्टी टेकर को, एक गोलकीपर को। गोलकीपर को फायदा इसलिए हुआ कि गोलकीपर अगर पेनल्टी रोक देता है तो सबसे ज़्यादा उस वक्त खुशी होती है, लेकिन अगर गलती से भी गोल कंसीडेड हो जाता है गोलकीपर से तो भाई प्रॉब्लम आती है इस मैच में। बात करूँ यहाँ पे डिफेंडर की, तो यहाँ से लूँगा वी कार्डोजो जो प्लेयर है ये विक्टर कार्डोजो। एक्चुअली पिछले मैच के अंदर क्लीन शीट नहीं लगी थी क्योंकि ULS के खिलाफ मैच था और ULS टीम अच्छी है, जिस कारण ही हमें पता ही है। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, एंड्रेस तुनेस यहाँ पे बहुत तेज प्लेयर, और ये दोनों तो मेन प्लेयर है कॉमन। अगर इनके बिना अगर आप टीम बनाते हैं देन मुश्किल आएगी, क्योंकि ये दोनों तो कॉमन ही है। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है योद्रक जो प्लेयर है ये अच्छी फॉर्म में है, मतलब देखा गया ऐसा कि फॉर्म बहुत अच्छी है इस प्लेयर की अभी। एंड आगे से बात करूँ नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है वन अनदर प्लेयर पी डैरिट। तो पी डैरिट यहाँ से काफ़ी बढ़िया प्लेयर, पिछले मैच के अंदर ULS के खिलाफ इस प्लेयर ने 2 बार टैकल भी वॉन किए थे, बट बेचारा पासिस कंप्लीट करते करता ही रह गया क्योंकि ये टीम फ्लॉप हो गई थी। एंड आगे से बात करूँ मिडफील्डर की, यहाँ से लूँगा SUN को। यार सैरज सुशेन को लेने के पीछे का कारण ना कोई मेरे को नज़र नहीं आ रहा। एक्चुअली मेरा मन है मैं अभी भी ड्रॉप कर दूँ, क्योंकि ये प्लेयर तो सब्स्टिट्यूट बहुत जल्दी होएगा, बट इसकी जगह कौन सा लूं ये उसमें और कंफ्यूजन है, इसलिए मैंने मजबूरी में इस प्लेयर को चुना है, मैं आपको झूठ नहीं बोलूंगा। आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, जो कि है डैलियन डिब्रूकर। तो डैलियन डिब्रूकर भी अच्छी फॉर्म में तो नहीं लग रहा, क्योंकि दोनों टीम्स का प्रीवियस मैच ULS के खिलाफ हुआ था और दोनों टीम्स की बैंड ULS ने तगड़ी बजाई थी। तो ये बात तो भाई अपने मन में ठान लो कि जो दोनों टीम्स ULS से हार चुकी हैं वो आपस में कैसी रहेंगी, ये चीज़ को मतलब देख के चलना। एंड आगे से बात करूं नेक्स्ट प्लेयर की, रियो फूजी को लूंगा। रियो फूजी पिछले मैच के अंदर काफ़ी हाई क्रेडिट का प्लेयर था, बट एक असिस्ट भी की थी, मुझे समझ नहीं आया कि इसके क्रेडिट क्यों घटा दिए, बट हमारे लिए भी अच्छा है कि क्रेडिट मेंटेन हो गए अच्छे से। स्ट्राइकर की बात करें देन इसका नाम डियोगो है, डियोगो लुइस सेंटो। हर मैच के अंदर गोल करने वाला इकलौता प्लेयर, मतलब आज के मैच के अंदर ये प्लेयर गोल कर सकते हैं मुझे लग रहा है, और पक्का करेगा, मैं तो इतना श्योर हूँ 80 to 90% ये प्लेयर गोल करेगा। एंड जे बैडिक की बात करूँ, जे बैडिक को लोग कैप्टन चुनेंगे सिर्फ पॉइंट्स देख के, लेकिन आपको इतना नहीं पता कि जे बैडिक कभी रेयर गोल करने के लिए माना जाता है, कभी भी ये रेगुलर गोल नहीं कर सकता है। एंड आगे से बात करूँ टी डांगडा की, यहाँ पे टी डांगडा भी अच्छी फॉर्म में दिखा है मेरे को, और अगर सी सेकेंडरी पेनल्टी टेकर भी काम आ सकता है अगर ज़्यादा टीम सब्स्टिट्यूट हो गई तो टी डांगडा अगर गोल करता है 45 मिनट से पहले तो मैं कहता हूँ इस जैसी चीज़ नहीं है, मतलब मैं चाहता हूँ मैं दिल से खुश हो जाऊँगा, लेकिन अगर ये गोल नहीं करता तो थोड़ी प्रॉब्लम है। आगे से बात करूँ कैप्टन की, देन मेरा कैप्टन है डी लुइस सेंटो एंड वाइस कैप्टन है टी डांगडा। आप चाहें तो वाइस कैप्टन जे बैडिक को ट्राई कर सकते हैं, बट अपन लोगों की ये फाइनल टीम है। तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, बाय।